हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई हम लोग रुके थे सोनमर्ग में, पीछे हमारा होटल था यहाँ पे, ये वाले होटल में हम ऊपर रुके थे रात को, क्योंकि यही मिला था, पूरा का पूरा पैक पड़ा हुआ है। सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे, भाई दिखाई देता हूँ, सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे 3:40 और अपन लोगों को निकलना है बैरीगेटिंग पे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और आज जौजिला का पास खुलेगा और फिर आज के बाद सीधा एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन खुलेगा, तो इसलिए हमने सोचा विदाउट टेकिंग एनी रिस्क सुबह सुबह निकल लो, ताकि आज क्रॉस कर पाए हम सोनमर्ग, क्योंकि हमारा लद्दाख जाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, ऊपर लग रखा है भाई अपनी गाड़ी पे रूफटॉप टेंट, गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया था ताकि मैंने कोल्ड स्टार्ट हो जाए और मैं व्लॉग स्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि भागम भाग में उठे हैं, भागम भाग में एकदम। ये खड़ी है अपनी गाड़ियाँ, चलो अब बढ़ते हैं आगे जौजिला पास की ओर, सुबह सुबह लेके शंकर भगवान का नाम, बोल शंकर भगवान की जय जय। और गाइस ये हम अपनी लगा रहे हैं डेस्टिनेशन ले लद्दाख टर्मिनल, एयरपोर्ट की लगा दी एक्चुअली। चलो ठीक है, कोई नहीं। ओ भाई यहीं से रेड दिखा रहा है, तो क्योंकि ट्रक्स खड़े हैं ना, शायद इस वजह से भी हो सकता है। ये देखो भाई सुबह सुबह का सीन, तुम्हारे भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, 4:45 निकल गए हैं केवल आप लोगों के लिए और अपने लिए भी थोड़ा सा। और गाइस सामने देखो भाई, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, क्या लद्दाख की गाड़ी LA नंबर, वाह यार अब सही है। तो भाई आगे देख के आऊँ, आगे तो देखो पूरी बैरिगेटिंग हो रखी है, लेन पूरी यहीं से लग रखी है, थोड़ी आगे तक अब यहीं पर वेट करना पड़ेगा, 6-7 बजे करीब पास खुलेगा। अब मेरे पास एक मस्त प्लान है, मस्त प्लान ही है, यहाँ पे लगाते हैं अपने ब्यूटेन, चाय बनाते हैं इनके सबके लिए। सही कह रहा है, क्या बोला मैंने, है ना, मेरा चूल्हा भी बाहर यहीं पे, बस तो कोई दिक्कत ही ना, यहीं बनाते हैं अपने, रख के अपना, कैसे क्या बोलते हो, 6-7 तो बजेंगे भाई, ब्रेड भी है तो तुम ब्रेड मक्खन लगाओ, हम चाय बनाते हैं, चलो आ जाओ, तुम्हारे शेफ संदीप हो, आगे लगा लो थोड़ी और पार्किंग ऑन रहने दो। तो गाइस इधर अपनी गाड़ी लगी हुई है, आगे भाई पूरी की पूरी लेन लगी हुई है, सुबह से 4:45 जैसा एक्सपेक्टेड था ना, वही वाला काम हो गया। ये देखो 4:05 है, कितनी भी जल्दी कर लो पब्लिक पहले पहुंच ही जाती है, क्योंकि हर किसी को रहता है कि यार पहुंच जाए, क्रॉस कर लें, वो सब चीजें होती है ना, इंपॉर्टेंट है आज का दिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि जौजिला पास खुल रहा है ऑड इवन डेज पे। आयुषी आयुषी मस्त प्लान आया है, मैंने बताया, मैंने कहा चाय बना लेते हैं यहाँ पे खड़े होकर, अब करना क्या है यहाँ पे, अब फिर धोएंगे कैसे बर्तन, सब देख लेंगे, वो तो हमारे पास टीम है पूरी, साढ़े ना चाय बनाने दी टीम बोली है, खराब हो गया नहीं, दूसरा है ना डब्बा पैक, तू कितने एक्सक्यूज दे रही है, अरे पर वो भी खराब हो जाएगा, खुलते ही तो आगे और ले लेंगे, नहीं बना देंगे नहीं, ये भी सारी बना देंगे, थोड़ी बनेगी, देख लेंगे। देखो भाई क्रेन जा रही है, मुझे लगा रॉन्ग साइड कौन कौन जा रहा है सुबह सुबह, तो देखा तो क्रेन आ रही थी दूर से। ये हमारे विशाल भाई तैयारी करते हुए, टेस्टिंग करते हुए, अच्छा नया चूल्हा है तुम्हारा, उद्घाटन कर रहे हो, हैं करो करो करो, भाई का चूल्हा यार बेकार निकल गया था, उसके साइड के क्लिप टूटे हुए थे, तो जब आप चूल्हा लो ना तो एक बार देख के लो, हम लोगों ने लापरवाही कर दी थोड़ी सी, और दुकान वाला भी चलो ठीक है उसका सामान तो खराब था, कोई बात नहीं, एक आध पीस निकल जाता है, बाकी डिफेक्टिव, बाकी किस्मत हमारी अच्छी थी, हमें कश्मीर में मिल गया, वरना कश्मीर में नहीं मिल पाता तो गेम बच जाता। वैसे हमारे पास और भी ऐसे दो चूल्हे हैं, लेकिन हर एक के पास अपना अपना हो तो उससे खुद चाय बनवा सकते हैं। अरे भाई कैसे चाचा बने घूम रहे हो, बस ऐसी थोड़ी सी ठंडी, वो बंद कर दी एकदम जैसे हाथ लगाना। तो गैस गैस ऑन कर लेते हैं सबसे पहले, बहुत ठंड है यहाँ पे, ब्यूटेन ना जाऊंगी। ओ भाई जल गई, चलो बच गए, पहली बार में जल गई, टेम्परेचर दिखाऊं कितना है, अरे 34 गलत दिखा रहा है, रुको अपडेट करता हूँ। गाइस 2 डिग्री टेम्परेचर है, और गाइस यहाँ पे हाइट दिखाता हूँ आपको कितनी है, हम कितने अल्टीट्यूड पे खड़े हैं, 2751 ऑलमोस्ट, मतलब 9000 से थोड़ा सा कम है। गुड क्वेश्चन भाई आयुषी भाई, 9000 फीट है, 2725 मीटर्स है भाई, क्या प्रोसेस है, इसे तेज कर लो, और तेज कर लो, जल्दी जल्दी धुआं निकाल लो, देखो उबाल आ रहा है, बढ़िया बहुत बढ़िया, डालो जी चाय पत्ती, डालो चीनी, डालो इसका सूखा था ना, इन्हें गीला नशा नहीं करती, ये पत्ती डालते हमारे विशाल दी शेफ, विशाल की फोटोग्राफर तो चली गई, ओ फोटोग्राफर इधर आ, देख रहे हो भाई ऑन हाईवे ढाबा खोल दिया हमने, 10-12 चम्मच चाय चीनी डाल दो, और आते जाता कोई और भी होगा तो बेक देंगे, एक काम करते ब्लैक कर दें, जैसे भाई तुम मनाली गए तो कितने की चाय कॉफी मिल रही थी वहाँ पे उसमें सोलांग में, 20 रुपए की, ये मैंने सुना था 300-300 की मिल रही थी जब स्नोफॉल हो रहा था, अरे तो ये हाँ थोड़ी पे गए थे वो, अच्छा वो गए थे, अच्छा आकाश गया था, ओके ओके, एक्सट्रीम में गए थे, 300-300 की मिल रही थी, चलो 300 तो ज्यादा, 100-100 रुपए की हम बना के बेचते हैं पे। हाँ गाइस ऊपर देखो आसमान में तारे दिख रहे हैं, क्लियर, कितना साफ आसमान है, ये देखो वाह, सामने देखो भाई पहाड़ों की वैली के बीच में हम, इधर से पहाड़ आ रहा है और इधर से भी आ रहा है लेफ्ट और राइट से, और ये पीछे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है भाई गाड़ियों का, भाई कितना निकाल रहे हो, क्या क्या तुम तो पूरी रसोई लेके आए हो, डालो इसमें जल्दी से, कच्ची तू पीती है हम इंग्लिश पीते हैं।
हमें कच्ची पिलाना वाला बता रही है यार, संतरा वाली है ना, हमें बता रही है हम कच्ची पीते हैं। गाइस कैंपिंग तो कर रहे हैं 2023 में, 2020 में भाई ने टॉर्च ली थी, 20 से 21 में। ये देखो 2100 रुपए की टॉर्च है, उजाला देखो कहाँ तक है, ये देखो फोकस पहाड़ तक, ये देखो ये ट्रक की वो दिख रही है, ये देखो इंगे, देखो इंगे, ये देखो वो देखो, है ना तगड़ी। और इसके अंदर पुलिस वाला भी सिस्टम है, दिल्ली पुलिस बन जाते हैं दो मिनट में। देखो 2100 रुपए की लिए ना तुमने, हाँ भाई है? हाँ। और 2100 और दो साल की वारंटी है। ओके भाई बहुत बढ़िया, वारंटी थी दो साल की पूरी, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो बाद में अगर ये खराब हो जाती है ना तो इजीली रिपेयरेबल है, बस तो सही है। ये देखो भाई हमने यूं करके दिखा दिया ना, वहीं रुक जाएंगे। ओ भाई इसे यहाँ लगाया तू, भाई इसे यहाँ लगाया तू, कोई भी आएगा नहीं आगे को। ये देखो भाई ऐसे लगा दिया मैंने, पुलिस वाला हुआ है एकदम। ये देखो गाइस अब आपको समझ आ रही होगी पुलिस वाली लाइट, दूर से ना पर्पल पर्पल दिख रही है, पास से ही अजीब सी दिख रही है। ये देखो भाई इधर से ना चार लेन बना दी लोगों ने, मतलब इधर दो बनी हुई है, इधर तीसरी बना दी और आगे भी बना दी, तो कुछ पता नहीं। हमने यहाँ बीच रोड पे लाइट लगा दिया ताकि पीछे से कोई ना पाए, पीछे से आ रहे हैं, ये गाड़ी आ रही थी पीछे से, विशाल भाई ने कहा यहाँ लगाया तो चुप पीछे घुस जाएगा, और वही हुआ एग्जैक्टली। हमने बीच रोड पे रख दी, ऐसे जो है ना अलकाजार की छत पे रख दो, दूर से ही दिखेगा बंदे को, यहाँ से सही दिख रही है ना, यहाँ से सही दिख रही है भाई यहाँ से। गाइस यहाँ पे ब्रेड भी आ गई है और भाई लाए हैं बटर का पूरा पैकेट, ये देखो। और भाई ये ब्रेड है ना 21 को एक्सपायर हो रही है, आज कितनी है 20, कल इसी बात पे कुछ कलेश हुआ था ना, गलत बता रहे थे, वो गलत बता रहे थे कि कल ही एक्सपायर हो जाएगी, हाँ लेकिन आज हो रही है ना, परसों होगी, मतलब कल होगी, कल रात को हो जाएगी, लेकिन आज ही हम लपेट देंगे इसे, आज ही लपेट देंगे, एक्सपायर कैसे हो जाएगी हमारे राज में, पेट में एक्सपायर होती रहेगी, हो जाए। इधर खड़े होकर देखो चाय में बहुत तगड़ी खुशबू आ रही है, कमेंट करके बताना आ रही है नहीं आ रही है। आपको खुशबू आ रही है तो कमेंट करके बताना। ये ब्रेड के लिए तवा लगा दिया हिताक्षी ने, हिताक्षी ब्रेड बटर लगा सकती है बस, है ना, इतना कर लेगी। ये इसके लिए भी सपोर्ट चाहिए तुझे, एक पे चार आ जाएगी, नहीं बड़ी वाली है ना, ये छोटी है तो दो आ जाएंगी एक साथ में। भाई ये बताओ कि ये जो काम हम कर रहे हैं ना कैंपिंग वैम्पिंग और जो पब्लिक हवा बना रही है इस टाइम पे, भाई ये सब हमारे घर वाले पुराने बंदे जमाने में कर चुके हैं, छोड़ चुके होंगे पहले जब जाते थे ना बाहर कहीं, ट्रक वरक बुक करके, पूरी बस बुक करके, है ना, बहुत मंदे जमाने में जब जाते थे बस बस लेके अपना सब नहीं ले जाते थे, सिलेंडर विलेंडर पूरी सब्जी सब बनाते थे वहीं तड़ा तड़, और अभी भी कुछ लोग बनाते हैं अभी तक भी, और हम भी वही कर रहे हैं, हमारा थोड़ा स्टाइल बदल गया बस, ये ना छूट ही नहीं रहा। ये देखो भाई थोड़ा सा उजाला और बन गया है, तुम्हें लग रहा नाश्ता नहीं, बहुत बढ़िया ब्रेड बनाओ भाई, वाह पहले मुझे दे दो, इतने दो ब्रेड बहुत है ना, एक मेरे को एक तुमको निकालो यार, चाय की चलनी, एक मेरे को एक तुमको है ना, बहुत है दो ब्रेड, बंद करो। ये हमारे विशाल भाई रोड पे चाय छानते हुए, ये देखो जी हमारी चाय गिरते पड़ते हुए आखिर बन गई, वैसी किनारे वाला बर्तन है ना, इसमें किनारी नहीं है, इस वजह से विशाल भाई का कोई दोष नहीं है, चाय उठा लो भाई एक एक करके, मेरे तो मलाई आ जाएगी। आज चाय बनाई है विशाल भाई ने, पिछली बार बनाई थी मैंने, ब्रेड भी इकट्ठी हो गई, ब्रेड ही बन गई, पिछली बार मैंने बनाई थी यार, ये है तो निकाला, पास हो गए विशाल भाई तुम, फिर भी चीनी कम रही, बहुत बढ़िया, नहीं चीनी बढ़िया है, तुमने लॉन्ग इलायची जो डाली है ना ताजगी, हाँ, उसका टेस्ट एकदम जैसे वो नहीं आता, वो टूथपेस्ट आता है ना ताजगी वाला, वैसा कर दिया सिस्टम, मोटे मोटे पैक चले दे, बोनट दे ऊपर रख दे, लाओ भाई ब्रेड, ब्रेड दो जी, चाय भी लगा, ये हमारी ब्रेड आ गई, ये हो रहा हमारी चाय, और स्वाद आ रहा है पूरा। बताओ भाई मेरी बीवी ने चाय, मेरी बीवी ने ब्रेड कैसी बनाई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पास हो गई तू, तुमने ब्रेड बहुत अच्छी बनाई है, मगर मुझे मक्खन की कंजूसी लग रही है थोड़ी सी, भाई चाय की तो कर ले जिसमें इतनी मेहनत लगी है, चाय की क्या करें, तारीफ तारीफ बता दी उन्हें, बहुत अच्छी बनाई है, पास हो गए, आगे पूरे ट्रिप पे ये बनाएंगे। गाइस हम लोग 4:45 आ गए थे, और जो लोग इस टाइम पे आ रहे हैं ना वो यहाँ के हमारे बराबर आ गए हैं, क्योंकि आगे से ना अलग ही लेन चला दी इन लोगों ने, ये देखो दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखो भाई 4:30 हो गए, 40 मिनट हो गए हैं और बात बराबर हो गई, ये लोग अब आए और हम लोग पहले आए, लेकिन ठीक है देखेंगे, इन्होंने एक्स्ट्रा लाइन बनाई है, पता नहीं किसके कौन कौन रह गया अभी, मैं और मानव तू भी रह गया, नहीं हो गया। गए सामने देखो अब दिख रहे हैं नजारे, इधर अब पीछे की ओर तो बर्फ के पहाड़ है, बस ये लाइट जल रही है, दिख गए ऐसे ऐसे कैसे हटाऊं इसे, ये देखो आ रहा है सुंदर, पीछे है व्यू बहुत तगड़ा। गए तीन लाइन तो बन चुकी थी, और ये देखो इधर से लोग आए जा रहे हैं, ये सब लेट सो के उठ रहे हैं, और ये देखो पांचवी लेन चौथी लेन सब बना दे रहे हैं यार, यार ये वाली स्कीम सही है यार, लेट सो के उठो और नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाले अपने स्टिकर लगाओ गाड़ी पे और आगे बढ़ जाओ। ये देखो ये गई फॉर्च्यूनर, ये देखो ये जा रहे हैं, ये देख लो
HR 14 HR 15। अब तो हमारी गाड़ी भी नहीं, आप क्या करेंगे निकाल के? हम कायदा नहीं तोड़ेंगे, जब जो कानून बन गया बन गया। गाइस स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा कितनी जल्दी जल्दी उजाला बढ़ रहा है और कैसे कैसे व्यूज और क्लियर होते जा रहे हैं। अभी तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि धूप आती है ना, धूप है ना सब कुछ रूल कर देती है। क्या है कि जितनी भी ज्यादा तेज चमक वाली रोशनी होती है ना, वो अपने आगे किसी को टिकने नहीं देती। लेकिन अभी देख लो, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लो जी, बैक साइड वाले नजारे तो बहुत दिखा दिए, फ्रंट की ओर देख लो, मतलब इधर से हम जा रहे हैं जोजिला, तो वहां की ओर देख लो कितना प्यारा लग रहा है। और ये वाला देख कैमरे में, ये और अमेजिंग लग रहा है। वाओ, ये तो पूरा क्लियर है। हाँ गाइस देखो, सनराइज होता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। मतलब अभी सन तो नहीं है बट नजारे चेकआउट करो। वाओ यार, वो वाला पहाड़ देखो, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, मजे आ रहे हैं भाई, मजे। सो गाइस प्रॉपर उजाला हो चुका है और इधर हमें देखने को मिला कि भाई लोग कर रहे हैं कैंप, हम लोग भी कैंप कर सकते थे अगर हम उजाले में आ जाते, क्योंकि रात में हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था तो भाई कुछ समझ नहीं आता। एक्चुअली वो ये ना, अगर अंधेरे में आप कहीं पहुंचते तो कुछ समझ वैसे नहीं आता है। एनी हाउ पीछे का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जाम बढ़ता जा रहा है भाई, पीछे तक देखो गाड़ियां लग चुकी हैं और आगे वाली जो 4-5 लेन लग गई थी वो भी आगे जाके सेट हो चुकी है। बस अब वेट कर रहे हैं कि जोजिला खुले, एंट्री खुले और हम लोग जोजिला क्रॉस करें, तब जाके जान में जान आएगी। यार तुमने हमारी वैसी फाड़ दी फालतू में कि खुल गई लेन, खुल गई लेन, खुल गई, कुछ ना खुला वहाँ पे, हमारे ड्रोन शॉट और आधे अधूरे करवा दिए। टाइम हो गया। दरअसल एक्चुअली क्या हुआ ना, ये वाली लाइन लोग निकल के उस वाली लाइन, ये फिर जा रहे हैं आगे को, ये देखो इधर वाली तो चलती रहेगी। ये वाली लोग निकल के उधर वाली लाइन तेजी में, ये वाली लोग है ना वो पीछे आ गए हैं। इन्होंने हमारे गाइस पीछे से जो लोग आए थे ना, इन्होंने फायदा उठा लिया भाई। हम तो बस के पीछे खड़े थे, वो बस वाला आराम से सो रहा था और सब आगे निकल गए भाई। और अब हम निकले, थोड़ी आगे पहुंचे हैं। टोटल गाड़ी अभी तक भाई कितनी चल गई है अपनी बताया तो आपको एक बार, ये देखो 9,926 किलोमीटर चल गई है अभी तक और माइलेज जो निकल के आ रहा है 16.2 का आ रहा है अभी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तगड़ी गाड़ी खींची है कल। गाइस ये चेक पोस्ट आ गया, यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। हम लोग वैसे पीछे रुक गए थे, ईमानदार लोग हैं ना, हमेशा थोड़ा सा लेट ही निकलते हैं, मतलब जो बेईमानी करते हैं आज की डेट में थोड़ा जीत जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकल जाए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। पहले और बाद में कोई ट्रेन नहीं छूट रही हमारी, हम तो टूरिस्ट है, ट्रैवल करने आए हैं, ट्रैवलर हैं। ये जो आगे घूम रहे हैं ना, यही है वो वाला जिसपे शुभी लिखा है, इसी वाले में शुभी है। हाँ, इसी वाले लेन में रहते हैं ना, क्योंकि फिर वो हम बीच में जाएंगे, अदरवाइज कोई हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने बीच में घुसा ली है। वैसे तो भाई यहाँ पे हो रही है गुत्थम गुत्थी, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई पीछे ट्रैवलर्स के बीच में। वो उसे कहता BSD के, उसे कहता ट्रैवलर वाला, उसे पेल रहा है, क्या नाम है जो छोटी गाड़ी होती है ना ट्रैवलर, सुमो, टाटा सुमो टाइप गाड़ी को पेल रहा है। हाँ। ये लो भाई यहाँ पे एंट्री हो रही है टूरिस्ट वगैरह गाड़ी की। ओ भाई हमें निकल जाने दे यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है भाई, यहाँ पे एंट्री हो रही है। ये टूरिस्ट वाले ना भाई, इन्हें चैन नहीं है, बल्कि आपको पता है कि इन लोगों को टाइम ही लगेगा एंट्री वेंट्री सौ चीज करनी है, लेकिन ये लोग भाई एक सेकेंड का पेशेंस नहीं रखते। थैंक यू सर, चलो जी, ये सिद्धू नेवर डाई, चलो जोजिला में आपका स्वागत है। गाइस हम लोग बढ़ रहे हैं जोजिला पास की ओर, जिसकी हाइट 11,650 फीट पड़ती है और सामने के नजारे देख लो बहुत ही सुंदर है। और गाइस इस पास के वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडियन आर्मी के नाम, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पे गिलगिट के जो रेबल्स थे उन्होंने आके यहाँ पे सीज कर लिया था इसको, उसके बाद अपनी इंडियन आर्मी ने सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ले जाके टैंक ऑपरेट किए थे। मतलब जो टैंक होते हैं उनको आप इतनी हाइट पे नहीं ले जा सकते, लेकिन अपनी इंडियन आर्मी ने ले जाके जो पेला था ना, जो धोया था भाई, उसके बाद उन्हें भगाया वहां से, निकाल के रगड़ रगड़ के और अपने पास अपनी जगह को वापस लिया। और उनका टारगेट था कारगिल को कब्जा करना, और जोजिला तो उन्होंने पूरा कब्जा कर ही लिया था। गाइस हम लोग बढ़ रहे हैं जोजिला पास की ओर और ये देखो भाई सामने के कितने सुंदर नजारे हैं। ये वाले पहाड़ थे जो भी मैंने ड्रोन शॉट में दिखा रहा था आपको, नीचे देखो भाई नदी बह रही है, क्या सुंदर है भाई। गाइस साइड में देखो कितने अच्छे वीडियोस हैं, सोनमर्ग वीडियोस के लिए ही फेमस है। और ये देखो भाई कितना सुंदर है सोनमर्ग, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हमें थार जा रही है रूल करते हुए रोड को, भाई देख रहे हो थार की ये बातचीत तगड़ी है भाई, ऑफ रोडिंग के लिए प्लस ऐसे रूल करती हुई जाती है। इसमें भी BHP बहुत है, भगाने को भगा सकता हूँ मैं, लेकिन हमारे वाले थोड़ा स्लो चल रहे हैं इसलिए अपन भी आराम आराम से ही चल रहे हैं। 341 किलोमीटर यहाँ से ले रह गया भाई, त्रास रह गया 58 किलोमीटर ले जाने की जो खुशी है ना भाई, जो जिला क्रॉस करने के बाद स्टार्ट हुई है कि भाई लद्दाख जा रहे हैं हम लोग, लद्दाख।
जाओगे ना भाई अभी खड़न जाएगा। हम लोग सेकंड टाइम लद्दाख आ रहे हैं, जिसको नहीं पता है हम पहले भी लद्दाख आ चुके हैं केवल आज से 7 महीने पहले। इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं।